Hello student, yes. Now we will discuss about a topic. Which one is right here? Angles. ठीक है? Angles के बारे में पढ़ेंगे. What is angle? बच्चे, angle देखो. Angle की need हमें life में बहुत ज़्यादा होती है. For example, जब हमने देखो घर में कई तरह की हमारे use में आती हैं, जो हम through angle करते हैं. ठीक है? और एंगल की डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होती हैं. जैसे हमने जो ये डिश वगैरह लगानी होती है वो भी एक एंगल, ठीक है, एंगल जो फिक्स करते हैं उसके अकॉर्डिंगली सारा करते हैं, तो फिर ये सारा पॉसिबल होता है. ठीक है, तो सबसे पहले हमें डेफिनेशन का पता होना चाहिए कि व्हाट इज एंगल, जो डिफाइन ऑफ एंगल. ठीक है, एंगल की डेफिनेशन क्या है? लिखा, अ फिगर फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग टू रेज. ठीक है, टू रेज आर ये एंड ये. देखो इसको नाम दे देते हैं ए बी सी. ठीक है, टू रेज कौन कौन सी है? बी ए एंड ए सी. ठीक है, ए बी एंड ए सी आर टू रेज हैं. एट देयर इनिशियल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट कौन सा है यहाँ पे? फॉर एग्जांपल ये पॉइंट है, ये एक सी है, ए का इनिशियल पॉइंट है, ये हमारा दूसरा पॉइंट है, और ये जो फॉर्म होगा इसको क्या बोलेंगे? एंगल. ठीक है, रेज एट देयर इनिशियल पॉइंट इज कॉल्ड एन एंगल. ठीक है, जो दो आर्म का इनिशियल पॉइंट होता है, ठीक है, मैंने आपको यहाँ पे ड्रॉ करके भी दिखाया, ये दो आर्म्स है ए बी एंड ए सी, इसका जो इनिशियल पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट कौन सा है? के ए. ठीक है, इनिशियल पॉइंट कौन सा है? ए. तो ए के साथ जो एंगल बनेगा, जो भी रोटेशन या जो भी होगा, वो हमारा होगा एंगल. दैट इज कॉल्ड एंगल. इसको हम राइट करेंगे, एंगल ऐसे राइट करते हैं, ये एंगल का साइन होता है बी ए सी, बी ए सी. ठीक है, इसको बोलते हैं एंगल. नो एक्सरसाइज नंबर फोर. ठीक है, एक्सरसाइज नंबर फोर हमने करना है.
ठीक है, नेम द आर्म्स, आर्म्स कौन सी है बच्चे, आर्म्स ये देखो, ये जो है टी, ठीक है, ये और ये क्या है, आर्म्स है, आर्म्स क्या होगी, आर्म्स आर क्या होगी, पी क्यू, जहां देखो क्यू पी, क्यू से शुरू होते पी की और आर क्यू आर, ठीक है, और ये साथ में हमने आर्म का साइन डाला, ओके। नेक्स्ट वर्टेक्स, वर्टेक्स क्या है बच्चे, वर्टेक्स होता है जो दो आर्म का कॉमन पॉइंट होता है, ये दोनों आर्म है, इसका कॉमन पॉइंट क्या है, कॉमन मीन्स जो दोनों में आता है, इन दोनों में क्या आ रहा है, क्यू, क्यू इज अ वर्टेक्स, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, नेक्स्ट हमें गिवन है सी बी ए, यस आर्म्स आर बी, ये इनका बी पार्ट है, ठीक है, आर्म्स आर क्या है, बी सी एंड बी ए, व्हाट एक्स, वर्टेक्स कौन सा है, वर्टेक्स हमारे पास कॉमन पॉइंट इज, देखो इसमें भी बी आ रहा है, इसमें भी बी आ रहा है, ये हमारा वर्टेक्स। नेक्स्ट सी पार्ट आपने खुद करना है, वो भी ऐसे ही है, ठीक है। उसके बाद मैं आपको थर्ड क्वेश्चन बताती हूँ कैसे करना है, थर्ड क्वेश्चन हमें गिवन है फ्रॉम द गिवन फिगर लिस्ट द पॉइंट पॉइंट्स, ठीक है, ये देखो ये हमें एक फिगर दी हुई है ऐसे, और ये पॉइंट हमें ऐसे करके जेड, ऐसे करके पी, और साथ में बी वर्टेक्स है, ए एंड सी हमारे दो आर्म्स है, एक्स यहाँ पे है और वाई यहाँ पे है। फर्स्ट वन, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट है इन एक्सटीरियर, ठीक है, एक्सटीरियर, एक्सटीरियर ऑफ एंगल ए बी सी, ठीक है, ए बी सी के एक्सटीरियर, बच्चे दो तरह के एंगल हैं इसमें, एक एक्सटीरियर है एक इंटीरियर है, एक्सटीरियर नाम से ही क्लियर होता है, एक्सटीरियर, एक्सटीरियर, ठीक है, कि आउटसाइड ऑफ द एंगल, ठीक है, आउटसाइड ऑफ द एक्सटीरियर मींस कि आउटसाइड, आउटसाइड से मींस कि बाहर कौन कौन से आ रहे हैं, पी एंड जेड, पी एंड जेड, एंड सेकेंड वन इज इंटीरियर होगा, इंटीरियर ऑफ ए बी सी, इंटीरियर इंटीरियर्स, इंटीरियर्स मींस इंटीरियर, इन, इन मींस की अंदर वाले, ठीक है, नाम से क्लियर है, इंटीरियर्स की अंदर वाला क्या है, एक्स एंड वाई, यस स्टूडेंट्स क्लियर है आपको, एक्सटीरियर्स आउटसाइड वाला, इंटीरियर इनसाइड वाला, यस स्टूडेंट्स आई होप कि आपको ये एक्सरसाइज समझ आई होगी, अगर नहीं आई, अगर किसी भी तरह का कोई डाउट है तो आप मुझे मैसेज करके या कॉल करके भी पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।